गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। और बच्चे, आप सब ठीक हैं? तो कल हम लोगों ने क्या किया था बेटा? अपना फोर्थ लेसन तितली का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे ना। और आप सबको मैसेज भी गया है कि आप लोग अपनी कॉपी अच्छी हैंड राइटिंग में कंप्लीट करके स्कूल में जमा कर दीजिए। देखिए, आज हम लोग पूरा दिन आए थे लेकिन किसी बच्चों की कॉपी नहीं आई थी, तो प्लीज़ अपनी कॉपी यहाँ पे स्कूल में पेरेंट्स के साथ भिजवा दीजिए, जिसे हम लोग चेक करके फिर से दे दें, फिर आगे भी आप लोग उसको फिर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बेटा? तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? अपना क्वेश्चन आंसर और कविता की पंक्तियाँ पूरी करो ना। तो अब चलते हैं कौन सा अपना थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज क्या है? देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। क्या है? सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाओ। तो क्या है, देखिए, पहले तितली को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। क्या है बेटा? तितली को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। अगर आपने पूरा पोएम रीड किया होगा तो आप सबको जल्दी जल्दी पता चल जाएगा ना। सेकंड देखिए, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। सेकंड क्या है? तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती है। थर्ड क्या है? देखिए, तितली फूलों के रस से शहद बनाती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? तितली फूलों को महकाती है। अब आइए देखिए इसके आंसर पे कि आंसर क्या है। देखिए, तितली को देखकर लोग दंग रह जाते, सही है कि नहीं? बोलिए, सही है ना? क्या पोएम में है कि तितली कितनी सुंदर लगती, तितली फूलों के संग देख देख कर इसको सब रह जाते दंग, है ना? तो ये फर्स्ट वाला क्या आएगा आपको? ठीक है, करेक्ट, सही है। तो इसका वो ऑप्शन लगाएंगे राइट का। सेकंड देखिए, तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती है। किसके साथ तितली सुंदर लगती है? पेड़ों के साथ? नहीं, किसके साथ बेटा? फूलों के साथ। तो अब थर्ड पे आएंगे। क्या है थर्ड? तितली फूलों के रस से शहद बनाती है। तो क्या आएगा? तितली फूलों के रस से शहद बनाती है, सही है गलत है? तो गलत है। शहद कौन बनाता है बताइए? शहद कौन बनाता है? शहद मधुमक्खी बनाती है ना। तितली क्या करती है? केवल फूलों का रस लेकर अपना जलपान करती है। तो तितली फूलों से केवल रस लेती है लेकिन वो शहद नहीं बनाती। तो ये क्या बेटा? रॉन्ग है। तो इसमें क्या करेंगे? गलत का निशान लगाएंगे। तितली फूलों को महकाती है, तो तितली फूलों को महकाती नहीं, तितली फूलों पर बैठती है जिससे फूल सुंदर लगते हैं, लेकिन फूलों की अपनी महक होती है ना। तो ये भी क्या है? फोर्थ वाला बेटा रॉन्ग आंसर है। तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टिक द करेक्ट ऑप्शन चारों ना। तितली को देखकर लोग दंग रह जाते, क्या है? सही। तितली फूलों के साथ ही सुंदर लगती, सही। तितली फूलों के रस से शहद बनाती है, गलत। तितली फूलों को महकाती है, गलत। ठीक, अब चलिए अपने नेक्स्ट वाले पेज पे। नेक्स्ट क्या है आपका? सही उत्तर पर सही निशान लगाओ। तो क्या है पहला? देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फूलों का संग करके तितली कैसी लगती है? तो चार ऑप्शन दिया गया ना आप लोगों को, फूलों का संग करके तितली कैसी लगती है। तो चार ऑप्शन है, देखिए, सुंदर, रंग बिरंगी, असुंदर और नीली पीली। तो आपने अगर पढ़ा है अच्छे से पोएम तो सबको याद आ जाएगा फूलों का संग करके तितली कैसी लगती है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले पूरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं? फूलों को, कुदरत को, तितलियों को, चमन को। तो किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं बताइए? किसको? फूलों को, कुदरत को, तितलियों को, चमन को। तो सोचिए उसको क्या आंसर आ सकता है। तब तक हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तितली मुंह में क्या भर कर लाती है? पानी, शहद, दूध, रस। क्या भर के लाएगी? पानी, शहद, दूध, रस। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सब फूलों की रानी किसे कहते हैं? पंखों को, पेड़ों को, पत्तियों को, तितली को। तो किसको कहते हैं? अब आप सबने आंसर सोच लिया होगा ना, फिर से चलते एक बार आंसर की तरफ। तो क्या आंसर है? देखिए, पहला बेटा, फूलों का संग करके तितली कैसी लगती है? तो फूलों का संग करके तितली क्या लगती है? चारों ऑप्शन में से पता चला कौन क्या लगती है बताइए? सुंदर। क्या लगती है बेटा? सुंदर। तो सुंदर पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। किसको देखकर लोग दंग रह जाते हैं? तो किसको देखकर दंग रह जाते हैं बेटा?
फूलों को, कुदरत को, तितलियों को, चमन को, किसको? तितलियों को। फिर क्या है, तितली मुंह में क्या भर कर लाती है? तो क्या है, पानी, शहद, दूध, रस। तो क्या भर कर लाती है मुंह में? रस भर कर लाती है। फूलों से वो क्या लेती है? रस लेती है। सब फूलों की रानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पंखों को, पेड़ों को, पत्तियों को, तितली को, किसको कहते हैं बेटा? तितली को। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो भरा है इसको भी क्वेश्चन आंसर के बाद पहले फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे, उसके बाद टिक द करेक्ट, सही कथन वाला, सही तथा गलत का निशान वाला पहले भरेंगे, उसके बाद सही उत्तर पर सही निशान लगाओ इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद ये होमवर्क जो है इसको जेंडर है, इसमें लिंग बदलना है, तो इसको आप अपने से होमवर्क कंप्लीट करेंगे, इसको बुक में ही कंप्लीट करना है, कॉपी में नहीं। ठीक है बेटा, ओके बाय।